जी तो दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। और मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि आपने अपने YouTube चैनल्स की कुछ बेसिक सेटिंग कैसे करनी है। अगर आप तो नए यूट्यूबर्स हैं, आपने अपना चैनल बनाया है और आप नहीं जानते कि आपने उसकी कुछ सेटिंग्स, जो ज़रूरी सेटिंग्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं जो आपके चैनल्स के व्यूज़, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकती है, उसको कैसे करना है। तो ये सब मैं आज आपके इस वीडियो में सिखाऊंगा कि आपने अपने चैनल्स की बेसिक सेटिंग को कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले अपनी यूट्यूब ओपन कर लेनी है। यूट्यूब में जाकर आपने अपना चैनल ओपन करना है। यहाँ पर आपने करना है क्लिक और आपने जाना है यूट्यूब स्टूडियो पर। जैसे आप यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करेंगे तो इस साइट पे जो आपको डैशबोर्ड और वीडियोस, प्लेलिस्ट, एनालिटिक्स, कमेंट्स, सबटाइटल्स, सेटिंग हुए नज़र आ रही हैं, यहाँ पर आके आपने सेटिंग्स को कर लेना है ओपन। और ये जो जनरल है, ये इसमें आपको करेंसी दिखा रहा है। करेंसी US डॉलर में, आप जिस कंट्री से भी, आप इसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान के करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी मुल्क के हैं तो आप वो कर सकते हैं, तो वो आपको उसी मुल्क की करेंसी में आपकी अर्निंग को शो करेगा। इसके बाद कुछ जनरल सेटिंग है चैनल की। इसमें ये कुछ बेसिक इन्फो है, एडवांस सेटिंग है, ब्रांडिंग है और फीचर है। ये बेसिक इन्फो है। इसमें आपने क्या करना है, ये आप यहाँ पर आपने कुछ कीवर्ड्स लगाने हैं। क्या लगाने हैं यहाँ पर? कुछ कीवर्ड्स का लगाने हैं, मतलब जो आपका चैनल है, जिस टॉपिक पे आपने चैनल बनाया है, जिस बारे में आपने चैनल बनाया है, उसके आपने कीवर्ड यहाँ पे लगाने हैं। मतलब कि फ़नी एंड इंफॉर्मेटिव टीवी, ये मतलब कि ये फ़नी और इंफॉर्मेटिव्स के बारे में चैनल है, तो आपने चैनल्स के कीवर्ड्स लगाने हैं। और कीवर्ड्स आपने कहाँ से सर्च करने हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ। आपने यहाँ पर टाइप करना है YT SEO टूल्स। तो इस पर आपने करना है क्लिक। और यहाँ पर आपने आकर वो वर्ड्स लिखने हैं, फनी और इंफॉर्मेटिव, मतलब कि जिस वर्ड्स को आपको कीवर्ड्स टैग्स चाहिए, वो वर्ड्स यहाँ पर आपने लिखने। तो ये आपको टैग्स जनरेट करके देगा। तो आपने यहाँ से सिंपली उन टैग्स को कॉपी करके वहाँ पर कर देना है, यहाँ पे आके कर देना है पेस्ट। मतलब आप अपनी मर्ज़ी की जितने चाहें 15, 20, 30, 40 टैग्स लगा सकते हैं जिस टॉपिक पे आपने चैनल बनाया है। और उसके बाद आते हैं कंट्री, जहाँ पर आपने आकर अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। अगर आप किसी भी मुल्क को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इस पर कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद कुछ एडवांस सेटिंग है, इसमें नीचे आते हैं। ये जो सेटिंग है, दिस चैनल इज़ मेड फॉर किड्स, मतलब कि इसकी जो वीडियोज़ हैं वो बच्चों के लिए बनाई गई हैं। नो सेट, दिस चैनल इज़ नॉट मेड फॉर किड्स, मतलब कि इसकी जो वीडियोज़ हैं वो बच्चों के लिए नहीं बनाई गई। तो आपने इस पर चेक कर देना है, मतलब कि ये जो कंटेंट है इस चैनल पर वो बच्चों के लिए नहीं है। अगर आपने बच्चों के लिए कंटेंट बनाया है तो इस पर आपने चेक करना है। तो ये सिर्फ आपकी बच्चों के कंटेंट में आपकी वीडियोस शो होंगी और इस वीडियोस बच्चों के वीडियोस पर एड्स नहीं लगती। तो आपने इस मिडल वाली को चेक करना है। और इसके बाद ब्रांडिंग बात है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इंटायर वीडियो, कस्टम स्टार्ट टाइम और एंड ऑफ वीडियो, यहाँ पर मतलब कि एंड ऑफ वीडियो, जैसे आपकी वीडियो चलेगी, ये जो आपका लोगो है या सब्सक्राइब का बटन है, वो सिर्फ जैसे आपकी वीडियो ख़त्म होगी तब ये शो होगा। अगर इस पर आप लगाना चाहते हैं तो आप टाइम लगा सकते हैं, मतलब कि कितने टाइम तक वो शो हो सकता है।
अगर आप इंटायर वीडियो पे लगाना चाहते हैं तो ये सारी वीडियोस आपकी जो प्ले की उस पर ये शो होता रहेगा, और जब व्यूअर्स आपकी वीडियोस को देखेगा तो उस पर चेक लगा के आपके यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फीचर एलिजिबिलिटी है, ये इनेबल है, ये कुछ सेटिंग है जिसको वेरीफाई करना पड़ती है तब जाके इनेबल हो जाती है। ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, और जनरल चैनल के बाद आपके अपने नए नए अपलोड्स पर यहाँ पर आप अपने चैनल्स की वीडियोस का हर वीडियो का टाइटल यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कुछ डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं जो आपको ऑटोमेटिकली जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो ये उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में शो होगा। आप मतलब यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और अपने फेसबुक के हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, उनके लिंक्स भी आप यहाँ पे ले दे सकते हैं। बाद में आप अपनी मर्ज़ी से इनको तब्दील भी कर सकते हैं, और उसके बाद ये जो है ये आपने पब्लिक प्राइवेट करना चाहते हैं, अनलिस्टेड करना चाहते हैं। अगर आप तो नए यूट्यूबर हैं तो आप तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इनको अनलिस्टेड कर दें, और जहाँ पे आपने फिर वही टैग्स लगाने हैं जो आपके फ़नी और इंफॉर्मेटिव टीवी के लिहाज से जो आपने यहाँ पर आके सर्च किए थे, कॉपी करके आपने यहाँ पर भी वो टैग्स लगा देने हैं। उसके बाद एडवांस सेटिंग में आते हैं, ये जो है वीडियो की जो लैंग्वेज होगी वो आप कौन सी रखना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश। तो ये जो स्टैंडर्ड यूट्यूब लेसन्स है इसको आपने रहने देना, इस पर सीसी क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन पर नहीं करना। और इस तो क्या होगा, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कोई भी बंदा आपकी वीडियोस को अपलोड करके वो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकता है, तो आपने स्टैंडर्ड यूट्यूब लेसन्स पर क्लिक करना है। अगर आप कैटेगरी लिखना चाहते हैं कि ये किसके मुतालिक है, फ़नी एंड इंफॉर्मेटिव के लिहाज से, तो आप लिख सकते हैं फनी, मतलब पेट्स एनिमल्स वगैरह के बारे में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सपोर्ट पर काम करते हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रैवलिंग पर काम करते हैं, गेमिंग पर काम करते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, एंटरटेन करते हैं, न्यूज़ बनाते हैं, हाउ टू या एजुकेशन पर काम करते हैं, तो आप किसी भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने आना है कैप्शन पर, दिस कंटेंट हैज़ नेवर एयर्ड ऑन टेलीविजन इन द USA, दिस कंटेंट हैज़ नॉट एयर्ड ऑन US टेलीविजन, तो आपने इस तीसरे पर आपने चेक लगा देना है। इसके बाद ये कमेंट है जिस पर आपने ऑल पे कर देना है, कम्यूनिटी स्टैंडर्ड जो है आपने इसने ऑन कर लेना है, यूज़र जो है कैन व्यू रेटिंग ऑफ दिस वीडियो, इस पर आपने चेक लगा देना है। उसके बाद ये परमिशन, जब आपका चैनल एबल हो जाएगा परमिशन के लिए तो आप मतलब किसी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करके उसे यहाँ पर एज एडिटर मैनेजर के तौर पर उसे रख सकते हैं। कम्युनिटी स्टैंडर्ड है, मॉडरेशन है, अप्रूव्ड यूज़र हैं, हिडन यूज़र हैं, ब्लॉक्ड यूज़र हैं, ब्लॉक लिंक्स वगैरह हैं, ये सब आपने कर लेनी है। इसके बाद ये सब कुछ करने के बाद आपने इसको कर लेना है सेव, मतलब कि ये आपकी सेटिंग हो गई सेव।